चलो सबसे पहले जाते हैं SBI के ATM और पैसे निकालते हैं। हमारे पैसे फिर ख़त्म हो गए, ये अब तक हम तीसरी बार पैसे निकाल रहे हैं। चलो पोखरा, सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मे बी 2 साल बाद। यही कहीं है SBI का ATM। वो अब यहाँ से हमारी मुश्किलें शुरू हुई। सीन कुछ ऐसा हो गया था कि मेरे ATM की विड्रॉल लिमिट पूरी हो चुकी थी एंड अक्षय का कार्ड भी काम नहीं कर रहा था। वी वेर टोटली स्टक। मेरे पास कुछ नहीं है, 500 रुपया है और 600 और 700 रुपया इंडियन है, बस बस बस, कहीं नहीं पहुँचेंगे उससे। पछताने के बदले हमने प्लान बी यूज़ किया और वहाँ के लोकल लोगों से हेल्प मांगना शुरू किया। ATM से पैसा निकाल ली, अरे दिक्कत हो गई, यही तो बात है, निकल नहीं रहा है पैसा और हमारे पास कैश पूरा ख़त्म हो गया, 1 रुपया नहीं बचा है। इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, कैश ऑनलाइन कार्ड से हो जाएगा, इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, कार्ड से पेमेंट करना है लेकिन मुझे नहीं। मेरा कैश ख़त्म हो गया है, ATM से निकल नहीं रहा, मेरे पास 1 रुपया नहीं अभी। तो ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरे अकाउंट में पैसा डालूँ मैं और मुझे कैश दे दो आप। मैं इंडियन है, देखो ना भाई, मेरे पास अभी 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, शाम को होगा। आखिरी ऑप्शन के लिए हम वापस हमारे होटल गए ताकि वहाँ हमारी कुछ हेल्प हो जाए। तो फिलहाल अभी हमारे होटल वाले भाई हमारी मदद कर रहे हैं, मैं ऐसे तो कहीं से भी अरेंज नहीं हो पाया, देख रहे देखते अगर ये कुछ कर पाते हैं तो। तो एक और नाकामयाब कोशिश, अभी हम लोग फ़ोन पे या फिर ATM से ट्राई करेंगे, उससे कुछ हो जाए तो। स्टिल देयर वॉज वन लास्ट ऑप्शन, ऐसे आदमी को ढूंढना जिसका नेपाल और इंडिया दोनों जगह अकाउंट हो। एंड वी वेर लकी कि हमें थोड़ा ढूंढने के बाद ऐसा एक आदमी मिल गया। इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं दुनिया में। बाय बाय, अब नहीं मिलेंगे पक्का, एटलीस्ट जल्दी नहीं मिलेंगे। नाउ देयर वॉज नो टाइम टू वेस्ट, ऑलरेडी 12 बज चुके थे और हमें मन्नांग के लिए परमिट भी निकालना था। तो सबसे पहले हमने अपना परमिट का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब डायरेक्ट जो पहला ब्रेक होगा हमारा वो होगा शाम में सीधा होटल के अंदर। अभी दोपहर के 2 बज गए एंड आई नो हम काफ़ी ज़्यादा लेट निकले, बट एटलीस्ट कहीं तो पहुँचेंगे। यहीं पे बैठे रहने से अच्छा तो कहीं पे पहुंचना अच्छा है, बिकॉज 7 दिन में हमारा भंसाला भी ख़त्म हो जाएगा और एक्सटेंड हमें करवाना है उसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे हमने लोकल पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप आज तो छुट्टी है, कल आपको एक यहीं पे पोखरा में एक ऑफिस है, वहाँ जाना पड़ेगा और 1 दिन आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो वो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते रुकना। आप जब लोग कह रहे थे कि मन्नांग का जोर मुक्तिनाथ से भी बुरा है, दे वर इन जोकिंग, वो लोग मजाक नहीं कर रहे थे। जब कल हम लोग ने कुछ लोगों को बताया कि हम लोग मन्नांग के लिए निकल रहे तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, अभी रास्ता थोड़ा बन भी गया है, पहले तो बहुत बुरा हुआ करता था। अगर वो बनने से उनका मतलब ये है तो पहले रास्ता कैसे हुआ करता था। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अभी भी इसे 5 साल लगेंगे पूरी तरह से अच्छे से बनने में। आई डोंट नो अभी GoPro में दिख रहा होगा या नहीं, बट मेरी आंखों के सामने हिमालयन माउंटेन्स का एकदम बेहतरीन नजारा है। आज हम लोग ने सोचे थे कि 20 साल पे रुकेंगे, बट जो हमारी करंट सिचुएशन है
तो मुझे लगता नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, हमें बीच में ही कहीं रुकना पड़ेगा। फिलहाल एक डेढ़ घंटा हम और अच्छे से चला सकते हैं, तो जब तक चला सकते हैं तब तक चलाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। मेरे ख्याल से हम बेसिसार पहुँच गए मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा भाई इतनी जल्दी पहुँच गए, मुझे तो लगा था कि आज पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब मैं श्योर नहीं कि मेन मार्केट या फिर मेन जगह से हम कितना दूर है, बट पीछे भी बेसिसार का गेट गया है। क्योंकि हमारे पास थोड़ा वक्त और एनर्जी बची थी और रोड्स भी ठीक ठाक ही आ रहे थे, तो हमने फैसला किया थोड़ा और आगे बढ़ने का, विच वॉज ए टोटली बैड डिसीजन। पूरी वाटर क्रॉसिंग ही है, अब पैर नहीं रखना बस नीचे। गलती हमारी ये थी कि हमने मन्नांग को अंडर एस्टिमेट किया था। वी टोटली फॉरगॉट दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एरिया इन नेपाल। द रोड्स वर कंप्लीट डिजास्टर। धक्का मारना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। चल बस बाकी निकल जाएगा। ओए गिर गई। पकड़ो तो बस छोड़ दो, पकड़ पकड़ो। छोड़ दो, गिर क्या था, गिर गया, फिसल गया, ये मुड़ गया, ये ब्रेक हो गई। ओ भाई आगे तो रास्ता धीरे खराब होते जा रहा है, हमें रुक जाना चाहिए था, अब मुझे ऐसा लग रहा है। इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, हमने सियांग में ही होटल लेने का फैसला किया। हाँ तो भैया जी, अभी हमें सियांग के नाम के गांव में, जो कि जगह से कुछ 10-15 किलोमीटर पहले, पता है हमारी गलती का हुई, हमें लामते में ही कुछ 6:30 या फिर 7 बजे हॉट ले लेना चाहिए था। इनफैक्ट अक्षय ने मुझे कहा भी था कि अभी रुक जाते हैं, बट मैंने सोचा कि भाई ऑलरेडी आज राइड हमने काफ़ी लेट स्टार्ट की है, 2 बजे स्टार्ट की थी, मैं बोला अभी इतनी जल्दी रुक जाएंगे तो फिर लोकेशन तक पहुंचेंगे कब। सो कल हम निकलेंगे मन्नांग के लिए, लेकिन उससे पहले हम जगात में एक हॉट स्प्रिंग में रुकेंगे, मेरा सपना था एक हॉट स्प्रिंग में नहाने का, सो कल हम वो पूरा करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।